शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हरदोई एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उनके काफिले की 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद जब अखिलेश यादव से एमएलसी चुनाव के नतीजों पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी को उसकी बेईमानी मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें। ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है, इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए। बगल का जिला है लखीमपुर जहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में इस तरह के चुनाव फेयर हो पाएंगे? हालांकि चुनाव जो हुए हैं और जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मतदान अपनी इच्छा से देना चाहेगा वो भी नहीं डाल पाएगा। इसके बाद जब पत्रकारों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के एक ट्वीट के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि कभी कभी बीजेपी अपनी बात दूसरे दलों से भी कहलवाती है। पर्चे तक नहीं भरने दिए। बगल का जिला है लखीमपुर जहाँ महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में इस तरह के चुनाव फेयर हो पाएंगे? हालांकि चुनाव जो हुए हैं और जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मतदान अपनी इच्छा से देना चाहेगा वो भी नहीं डाल पाएगा। यहाँ आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट कर कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता शूद्र शब्द का प्रयोग कर संविधान की अवहेलना कर रहे हैं।